नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए2जेड। ग्राइंडर की चिंगारी से 5 बीघा गेहूं के खेत में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। जनपद हाथरस के चंदप्पा कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहई में रविवार की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गीतम पुत्र खजान सिंह निवासी रोहई थाना चंदप्पा रविवार की शाम करीब 6 बजे खेत में इकट्ठी रखी गेहूं की फसल को निकलवाने के लिए ट्रैक्टर और कटर को लेकर खेत पर पहुंचा था, जहां ट्रैक्टर चालक ने गेहूं निकालने से पहले कटर के गर्सा पहनाने के लिए ग्राइंडर लगा दिया। ग्राइंडर की चिंगारी से पास में इकट्ठा रखी गेहूं की फसल में जा गिरी, जिससे फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आग की खबर सुनकर खेतों में काम कर रहे आसपास के लोग भी आ गए और आग बुझाने में लग गए, लेकिन आग पर काबू पाने में नाकामयाब रहे। हालांकि लोगों ने आग की सूचना डायल 112 पर व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। समाचार ए2जेड के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गीतम। कहाँ के रहने वाले हो? रोहई निवासी। ये जो आज आपके नाक में आग लगी हुई है, अनाज में, ये किस कारण से आग लगी है? सर, मैं तो पत्थर पाल बिछा रहा था, वहाँ से लोग भगे आए कि तेरे नाक में आग लगी, ऊपर चुटिया से लगी है ऊपर से। कितने बीघा खेत है ये? 5 बीघा का। ये खेत आपका ही है? नहीं, पिताजी का था, मैंने तो भेज कर लिया अनाज को। क्या आपके पास में और भी खेत है? नहीं। तो ये टोटल खेत जल चुका आपका? टोटल जल। करीब कितना नुकसान है? मान लो 1 लाख से कम है ऊपर ही मान लो।